हेलो जय गुरुदेव रीसा, हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और हमारा एक नया ब्लॉग। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। यहाँ पे मतलब विंटर के वेकेशन नहीं होते और क्रिसमस की भी छुट्टी नहीं होती, तो यहाँ स्कूल चालू है। तो वो लोग है स्कूल, यूवी के आज थोड़ा अच्छा था तो स्कूल चला गया और मैंने यहाँ पर रूम को कर लिया है क्लीन। अभी इस रूम की क्लीनिंग हुई है, डस्टिंग बाकी सब बाकी है तो वो अब करेंगे। हम लोग क्लीनिंग डस्टिंग करके रख देते हैं, फिर जो हाउस हेल्पर आती है वो कचरा पोछा कर देती है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी हम मॉर्निंग में बना रहे हुए भरे हुए शिमला मिर्च की सब्जी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च धो के रख लिया और अब चढ़ाया पैन। पैन में 2 टेबल स्पून जितना हमने ऑयल डाला, फिर इसमें थोड़ा सा बेसन लिया शिमला मिर्च में भरने के लिए, उसको धीमे धीमे आँच पर सेक लिया। बेसन को लगातार हिलाते रहे, ये बेसन सिककर हो गया तैयार। अब इसमें डाला थोड़ा सा कूट कर लहसुन। ये बेसन को धीमी आंच पे ही हमने गैस पे सेका था और फिर इसमें अभी डाला ये सौंफ, ये जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग और धनिया पाउडर और ये नमक, और थोड़ा सा खटाई के लिए इसमें डाला दही। फिर इन सबको कर लिया अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया काट कर, और इसमें हमने डाला 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। फिर अच्छे से मसाले को कर लिया मिक्स और ये ऐसे लिया शिमला मिर्च, इसके बीच में लगाया हमने कट, और जो मसाला हमने रेडी किया था इसके अंदर भरने के लिए वो हमने ये इसमें ऐसे दबा कर मसाला अंदर भर दिया, ये आप लोग देख सकते हो। और फिर जो ये सारी शिमला मिर्च थी उनको एक एक करके ये सारा मसाला इनमें हमने भर कर रख दिया और ये सारी शिमला मिर्च हो गई तैयार। ये सारी यहाँ पे भर दी और ये थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रहा, फिर चढ़ाया पैन। पैन में डाला तेल, उसमें राई, जीरा, हींग डाली और एक एक करके अंदर शिमला मिर्च को अच्छे से एडजस्ट कर दिया, और जो मसाला ज़्यादा बड़ा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर गैस को कर दिया धीमी आंच पे और थाली का ऊपर ढक्कन देके उसमें पानी डाल दिया। और साथ में आज ये बनाई दाल और चावल, और ये बच्चों के लिए टमाटर की सब्जी मीठी, और साथ में ये गंवार फली, और यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग देख सकते हो ये खाने में टेस्टी लगती है। और अभी मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी, ये गर्म गर्म रोटी, क्योंकि सब लोग अभी खा रहे हैं खाना और मैं बना रही हूँ रोटी। और अभी हर्षित बन्ना बच्चों को स्कूल लेने गए थे तो वो यहाँ बच्चों को स्कूल से लेकर आ गए। बाकी सब ने तो खाना खा लिया और बच्चे अभी आए हैं स्कूल से, हर्षित बन्ना गए थे उन्हें लेने के लिए। और अभी हो गई डायरेक्ट सुबह से शाम। सुबह दिन में कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया, यहाँ किसु ऐसा देख रहे बाहर नज़ारा, और ये लोग आ गए स्कूल से भी। किसु क्या देख रही है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसने देखो नाइट सूट पहना है, पर ऊपर का पहन लिया और नीचे लगी चेंज नहीं की। किसु क्या देख रही है बाहर? अच्छा था स्कूल का दिन? हाँ। चला जा अंदर आ जा। ये मैं पी रही हूँ यहाँ मेरी चाय, और इधर देखो दोनों को ताईजी और ताईजी। जय गुरुदेवरी। अभी मैंने बताया था हर्षित बना के बैग पैक हो गए, आज जाने वाले हैं ना, अभी चाय करेंगे एंजॉय। और यहाँ पे किसु बैसा कर रहे हैं पढ़ाई। किसु ने आते मजा मा साथ में सृष्टि भी कर रही है। अच्छा सृष्टि, आज तेरे स्कूल में तेरा टर्न था ना कुछ सुविचार बोलने का, थॉट का क्या बोला था तूने मुझे, हमें भी तो सुना। कॉन्फिडेंस में नॉट बीइंग सक्सेसफुल बट इट गिव्स द पावर टू फेस एनी चैलेंज इन लाइफ। इंग्लिश में बोला, अब सब ऊपर से गया, वापस इसका हिंदी कर। आत्मविश्वास भले ही हमें सफलता न दिलाए लेकिन जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यूं सही बात है, आत्मविश्वास हमें चुनौतियों की सामना करने की शक्ति देता है। सही बात है एकदम। आत्मविश्वास क्या नहीं सिखाए, आत्मविश्वास क्या नहीं सिखाए,
सफलता ना दिलाए पर ना मतलब चुनौतियों के सामने हो। वेरी गुड, अच्छा बोला। ओ यहाँ पे मासी जी बना रहे हैं मेथी और बड़ी की सब्जी, जिसके लिए मासी जी ने चढ़ा दिया है पैन। साथ में क्या मासी? राबोड़ी। राबोड़ी और बड़ी दोनों सेम ही हो गए आज तो। नहीं मतलब रोटी या वो बाजरे की रोटी बनाएंगे। और यहाँ पे चारों भाई बहन एंजॉय कर रहे हैं अपनी पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि इनकी बाकी रह गई थी। इनके ताईजी ने बोला था कि हर्षित भैया आएगा तब दूंगी, तो ये लोग बाहर तो नहीं गए खाने के लिए, तो हर्षित बना घर पे ही पिज़्ज़ा लेके आ गए थे और चारों भाई बहन साथ में खा रहे थे। आज हर्षित बना जाने वाले थे तो जाते जाते इन्होंने भी बच्चों के साथ में कर ली पिज़्ज़ा पार्टी, और यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे अपने पिज़्ज़ा। और अभी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई है पूरी। ये देखो पूरे पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिए, ये खाली एक एक पीस बचे हुए हैं। सच में पिज़्ज़ा बहुत अच्छे थे, मज़ा आया। और ये है बड़ों के लिए रात में बनाया हुआ डिनर, राबोड़ी की सब्जी साथ में थोड़ी सी बड़ी की सब्जी और बाजरी की रोटी। और यहाँ हम सब बैठ के कर रहे हैं बातें। हमारे हर्षित बना अभी जा रहे हैं, अभी एक घंटा बाकी है इनके जाने में। हर्षित बना आपकी कॉलेज तो पूरी हो गई है ना, अब आप क्या करने जा रहे हो ना? काम कोई भी कंपनी में। कंपनी में नहीं, हाँ। इनकी कॉलेज इनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है ना मासी? मासी बेटा बड़ा हो गया अब तो। टेंशन नहीं लेने का। तो अब वापस मतलब कितने दिन लगेंगे वापस आने में? अभी तो जाओगे ना कंपनी में, जाना है ना अभी तो? हाँ, 2 तारीख से। हाँ तो महीना भर वापस कभी, बाकी कॉलेज 2 महीना। हाँ कॉलेज तो पूरी। चलो अब आपको हमारे हर्षित बना ब्लॉग में महीना 15 दिन पता नहीं कब से देखने के बाद में मिलेंगे, है ना किसु? या किसु भी हमारी बातें सुन रही है। और सारी पैकिंग वगैरह हो गई है हर्षित बना की, और ये अभी जाएंगे। और अभी हो गया है हर्षित बना के जाने का टाइम, तो वो अभी निकल रहे हैं गांधीनगर के लिए। और यहाँ पे मासी उनको लगा रही है तिलक और मंगलेश दे रही है। बस हमेशा ये आते हैं और ऐसे 10-15 दिन रुकते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो घर हो जाता है सुना। यहाँ पे किसु देखो बीच में आ रही थी, ये यहाँ पे मुझे प्रणाम करने के लिए आए हर्षित बना। इसी के साथ हमारे ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।